नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा दादौन और खबर देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को दिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। प्रभारी सचिवों को दिए जनपदों के भ्रमण के निर्देश। विभागाध्यक्ष नियमित रूप से करें विभागीय योजनाओं की समीक्षा। मंडलायुक्तों को दिए विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा के निर्देश। जिलाधिकारी नियमित रूप से अपनी अदालत में वादों का करें निस्तारण। पिछले 3 महीनों का विवरण कराएं उपलब्ध। सुशासन दिवस 25 दिसम्बर से सचिवालय के सभी अनुभाग करेंगे ई ऑफिस के रूप में कार्य। इसके लिए बनाई जाए प्रभावी व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर तक सचिवालय स्थित सभी अनुभाग ई ऑफिस के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रशिक्षण एवं संसाधनों की उपलब्धता आदि के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव आईटी को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि माह दिसंबर से आरंभ होने वाले उनके जनपदों के प्रभाव कार्यक्रम से पूर्व दोनों मंडलों युक्त विधानसभा क्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता चीफ स्टैंडिंग काउंसिल परेश त्रिपाठी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पवार, प्रमुख सचिव श्री आनंद वर्धन सहित सभी सचिव एवं प्रभारी सचिव उपस्थित रहे। प्राइम